सद्भावना मिशन कार्यक्रम के लिए उपस्थित मंच पे उपस्थित सभी धर्मगुरु और विविध जाति जमाती के नेतागण, हमारे बहुत ही समाज में अच्छा कार्य करने वाले ऐसे हमारे अमजद भाई पठान, उनके सभी साथी डॉक्टर साहब, डॉक्टर महराज, आरिफ खान और सभी हमारे साथी, सर्वप्रथम एक बहुत ही जन उपयोगी लोक उपयोगी कार्यक्रम आपने आयोजित यहाँ पे किया, इसलिए आपको मन से बधाई देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, एकता अखंडता के लिए राष्ट्र के ऐसे कार्यक्रम आयोजित होना ये बहुत ही अहम है। और ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर आप जैसे समाज में जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, ऐसे सभी साथियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में शरीक होना मैं अपनी खुशकिस्मति समझता हूँ। और आप सभी को आश्वासित करता हूँ, विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते, विधायक होने के नाते, जब भी आपको ऐसे नेक काम में मेरे पार्टिसिपेशन की जरूरत रहेगी, मेरे सपोर्ट की जरूरत रहेगी, तो मैं आपके साथ रहूंगा। और इस देश को आगे ले जाने के लिए ऐसी एकता और अखंडता बहुत ही अनिवार्य है, जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और इसीलिए फिर एक बार हमारे अमित भाई पठान हो, उनकी पूरी टीम को मैं मन से शुभकामनाएं देता हूँ। असद साहब का तो मैं समझता हूँ काम इतना महान और बहुत ही नामचीन व्यक्तिमत्व वो थे, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अभी हमारे अमजद पठान साहब भी वही काम आगे ले जा रहे हैं। मैं उनको मन से बधाई देता हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप सभी के साथ यहाँ कुछ समय बिताने का समय देने के लिए आप सभी का आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है सब, ये सब आपको एक बार बता दूं, ये बुक लिखने का मेरा एम यही था कि बाबा को हम पब्लिश कर सके, बाबा के कार्य को आगे ला सके, उन्होंने जो जिंदगी में जो उनके काम किए हैं वो काम को हम आगे बढ़ा सके। तो आप सब यहाँ पर खास लोग यहाँ पर मौजूद हुए ये बुक के इनॉग्रेशन के लिए, तो ये बुक वहां पर रखी हुई है, पब्लिश होने के बाद में हमने काउंटर पे रखा हुआ है। तो आगे हमारे नितिन जी और ये सब बताएंगे बुक के बारे में। और हम एम है हमारा कि हम कैंसर पेशेंट, अभी हमारा दिसंबर में जो इवेंट हो रहा है कैंसर का, और जिसमें हम लोग इस साल 20,000 पेशेंट के लिए स्क्रीनिंग करने वाले हैं कैंसर का, 20,000 पेशेंट के लिए। तो हमारा एक मकसद यही है कि जितना हम कैंसर का अवेयरनेस कर सकते हैं वो हम करें। हमने अभी तक के 60,000 पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया है कैंसर के, हमारे फाउंडेशन ने किया है, आप सब लोगों की दुआओं से वो हुआ है। हम लोग बड़े चाहते हैं, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर सेंटर वहाँ पे चालू हो, जो बाबा साहब की भी ख्वाहिश थी कि एक मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पे कुछ सेंटर चालू हो जाए करके, जिससे गरीब लोगों को फायदा हो जाए और उनको जो बॉम्बे पुणे में आ सकते हैं, जो यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि मुंबई पुणे में बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, आपको पता है यहाँ लाना रहना खाना कितना एक्सपेंस होता है, तो उसके लिए उनका बड़ा ख्वाहिश था कि वहां पे हम चालू करें और टोटल फ्री में करना है लोगों के लिए। तो हमने एक बस बीड़ा उठाया, बस आप सबके दुआओं की, आप सबके सपोर्ट की हमें जरूरत है, जो हम चाहते हैं कि आप आगे आके हमारे साथ में जुड़े। और जिस तरह से देखिए सिटी में, शहरों में हर इंसान कैंसर के लिए काम करता है, रूरल्स में कोई नहीं जाता है, वहां पे रूरल्स में जाना और वो काम करना बहुत एक बड़ी बात होती है, और वहां छोड़ के वो रूरल्स के लोगों को देखना, क्योंकि 10-10 रुपया भी खर्च करने की उनकी पोजीशन नहीं होती है। हम ऑल द वे जाके वहां पे, यहाँ से 150 डॉक्टर्स हम लेके जाते हैं और वहां जाके उनका सारा स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट करवाते हैं। सिंदखेड़ राजा बुलढाणा महाराष्ट्र में हमारे विनोद भाई मौजूद है, विनोद भाई को पता है वहां पे किस तरह से वहां पे हम लोग काम करते हैं। और एक ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं, जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जो कुछ सुविधा नहीं है, वो सुविधा
वहां पे तो मैं सोहेल भाई है, यहाँ पे हमारे हुजैफा कुराकी वाला साहब है, हमारे पाटनकर साहब मौजूद है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि सर आप लोग भी हमारे कार्यो को देखें और हमारे साथ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कृपा बहन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसको बस आगे बढ़ते रहे और आप लोगों का हमको ब्लेसिंग मिलता रहे, जो हमारा ख्वाब है कैंसर का हॉस्पिटल का वो पूरा हो जाए करके वहां का।